हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको राइटिंग नंबर नेम्स ऑफ थ्री डिजिट नंबर आपको बताऊंगी। ओके, तो इससे पहले सबसे पहले आपको मैं वन डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर और थ्री डिजिट नंबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, वन डिजिट नंबर ज़ीरो से लेके नाइन नंबर्स जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वन डिजिट नंबर कहते हैं। ओके, और टेन से लेके नाइन्टी नाइन नंबर्स तक जो नंबर होते हैं इसके बीच वाले उसे हम कहते हैं टू डिजिट नंबर्स। ओके, और 100 से लेके 999 नंबर्स तक जो नंबर आते हैं उसे हम थ्री डिजिट नंबर्स कहते हैं। ओके, तो मैं आज आपको थ्री डिजिट नंबर के नंबर नेम सिखाऊंगी। ओके, मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखती हूँ और आपको इसे वर्ड्स में किस तरह से लिखना है वो मैं आपको लिखकर बताऊँगी। ओके, तो फिर बच्चों मैं यहाँ पे 365, ओके, मैंने ये नंबर लिखा। तो आपको सबसे पहले ये जो नंबर मैंने दिया है उसे हम किस तरह से वर्ड्स में लिखेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो सबसे पहले ये नंबर पे आपको क्या लिखना है, वंस, टेंस और हंड्रेड। ओके, वंस और टेंस मिलके कितने होते ये नंबर, ये कितना नंबर बना, 65। तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, पहले हमें थ्री का स्पेलिंग लिखना है। किसकी स्पेलिंग, थ्री की, टी एच आर डबल ई, थ्री। थ्री के ऊपर क्या दिया हुआ है, हंड्रेड, एच यू एन डी आर ई डी, हंड्रेड। और वंस और टेंस मिलके कितना हुआ, ये 65 नंबर बनाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 60 की स्पेलिंग, 65। ओके, 365। ओके, समझ में आया बच्चों आपको। अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूंगी, 273। आपको सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, वंस, टेंस और हंड्रेड। आपको कोई भी नंबर लिखना है, नंबर लिखा है तो आपको ऊपर क्या लिखना है, वंस, टेंस और हंड्रेड डालना है। ओके, और आपको वंस और टेंस के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा ये दो नंबर मिलके क्या बने, 73। ओके, तो आप इजीली आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको किसकी स्पेलिंग लिखनी है, टू की स्पेलिंग, टी डब्ल्यू ओ टू। टू के ऊपर क्या दिया हुआ है, हंड्रेड, तो हम लिखेंगे हंड्रेड और ये दो नंबर क्या बने, 73। ओके, 200 मैंने लिखा, 200 दोनों मिलके क्या बने, 73। ओके, नेक्स्ट 482। ओके, मैंने ऐसा दिया है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वंस, टेंस और हंड्रेड। ओके, वंस और टेंस के नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए। ओके, और ये अभी नंबर क्या दिया है, फोर, तो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगी फोर की स्पेलिंग, एफ ओ यू आर, फोर। ऊपर क्या लिखा है मैंने, हंड्रेड, तो यहाँ पे मैं हंड्रेड की स्पेलिंग लिखूंगी। ओके, मैंने लिख दिया हंड्रेड की स्पेलिंग और ये दोनों नंबर मिलके कितने बने, 82। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 80 की स्पेलिंग लिखूंगी, 82। ओके, नेक्स्ट नंबर 504। ओके, अभी इसे हम कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस और हंड्रेड। ओके, अभी ये दो नंबर मिला के कितने हुए,
टेंस की जगह पे जीरो है, तो ये ही बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा ये, सिर्फ फोर। ओके, तो अभी हम आंसर किस तरह से लिखेंगे। पहला लिखूंगी मैं फाइव की स्पेलिंग, फाइव ऊपर क्या दिया हुआ है, हंड्रेड, हंड्रेड लिखा मैंने, फाइव ऊपर दिया हुआ है हंड्रेड, टेंस की जगह पे कुछ नहीं, इसे हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, फोर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फोर की स्पेलिंग, फाइव हंड्रेड फोर, फाइव हंड्रेड फोर। ओके, अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूंगी, सिक्स फाइव नाइन। ओके, फिर से हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड। ओके, अभी सिक्स किसके जगह पे है, हंड्रेड के, तो पहले हम क्या लिखेंगे, सिक्स की स्पेलिंग लिखेंगे, एस आई एक्स सिक्स, ऊपर मैंने क्या लिखा है, हंड्रेड, एच यू एन डी आर ई डी हंड्रेड, और वंस और टेंस की जगह पे क्या है, टेंस का प्लेस वैल्यू में क्या है, फाइव, और वंस की जगह पे नाइन, तो टोटल कितने हुए, फिफ्टी नाइन। तो मैं लिखूंगी इधर फिफ्टी की स्पेलिंग, फिफ्टी नाइन। तो बच्चों आपने देखा मैंने आपको किस तरह से राइटिंग नंबर नेम ऑफ थ्री डिजिट नंबर सिखाया। अब इसी तरह से कोई भी नंबर जो थ्री डिजिट नंबर से नंबर लिखा जाता है, आप उसके ऊपर आपको वंस टेंस हंड्रेड लिखना है और आसानी से आप नंबर नेम लिख सकते हैं। ओके बाय।